ये तय किया गया था कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, आरक्षण होगा तो मेरे दलित भाई बहनों के लिए होगा, मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए होगा, लेकिन धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन वोट बैंक की भूखी कांग्रेस ने कभी इन महापुरुषों की बातों की परवाह नहीं की, संविधान की पवित्रता की परवाह नहीं की, बाबा साहब आंबेडकर के शब्दों की परवाह नहीं की। कांग्रेस ने बरसों पहले आंध्र प्रदेश में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रयास किया था, फिर कांग्रेस ने इसको पूरे देश में लागू करने की योजना बनाई। इन लोगों ने धर्म के आधार पर 15% आरक्षण की बात कही और ये भी कहा कि एससी एसटी ओबीसी का जो कोटा है उसी में से कम करके, उसी में से चुरा करके ये धर्म के आधार पर कुछ लोगों को आरक्षण दिया जाए। 2009 के अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने यही इरादा भी जताया, 2014 के कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी इन्होंने साफ साफ कहा था कि वो इस मामले को कभी भी छोड़ेंगे नहीं, मतलब धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे, अगर दलितों का आदिवासियों का आरक्षण कट करना पड़े तो करेंगे। कई साल पहले कांग्रेस ने कर्नाटका में धर्म के आधार पर आरक्षण लागू भी कर दिया था, जब वहां बीजेपी सरकार आई तो हमने संविधान के विरुद्ध, बाबा साहब आंबेडकर की भावना के विरुद्ध कांग्रेस ने जो निर्णय किया था उसको उखाड़ करके फेंक दिया और दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को उनका अधिकार वापस दिया। लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार, उसने और एक पाप किया, मुस्लिम समुदाय में जितनी भी जातियां हैं सबको उन्होंने ओबीसी कोटा में डाल दिया और ओबीसी बना दिया। यानी जो हमारे देश के ओबीसी समाज को लाभ मिलता था उसका बड़ा हिस्सा कट गया और वो भी वहां चला गया। यानी कांग्रेस ने सामाजिक न्याय का अपमान किया, सामाजिक न्याय की हत्या की। कांग्रेस ने भारत के सेक्युलरिज्म की हत्या की। कर्नाटका अपना यही मॉडल, ये कांग्रेस पूरे देश में लागू करना चाहती है। कांग्रेस संविधान बदलकर एससी एसटी ओबीसी का हक अपने वोट बैंक को देना चाहती है। भाइयों और बहनों, ये सिर्फ आपके आरक्षण को ही लूटना नहीं चाहते, उनके तो और बहुत कारनामे हैं। और इसलिए मेरे आदिवासी भाई बहनों को कहना चाहता हूं, मेरे दलित भाई बहनों को कहना चाहता हूं, मैं ओबीसी के भाई बहनों को कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के इरादे नेक नहीं है, संविधान के अनुरूप नहीं है, सामाजिक न्याय के अनुरूप नहीं है, भारत की बिन सांप्रदायिकता के अनुरूप नहीं है।
अगर आपके आरक्षण की कोई रक्षा कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और इसी बीच आपको बता दें कि सैम पित्रोदा पर गृहमंत्री अमित शाह का पलटवार, कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गई है, हमारी प्राथमिकता गरीब है, कांग्रेस की छिपी मंशा सामने आई है, संपत्ति सर्वे पर बैकफुट पर है कांग्रेस। ये सैम पित्रोदा जिन्होंने कहा था, किस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे को लेकर समर्थन जताया था, उसके बाद गृहमंत्री अमित शाह का आमला। सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं, और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है, वो सैम पित्रोदा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर, जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। और देश की जनता को भी मैं अपील करना चाहता हूं, इनके महत्वपूर्ण नीति निर्धारण करने वाली लोगों की टीम के मुखिया सैम पित्रोदा के बयान को देश की जनता गंभीरता से ले। इनके मन में छुपी हुई मंशा क्या है आज बाहर आ गया है, इसका कॉग्निजेंस, इसका संज्ञान देश की जनता ने लेना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी अगर ये नहीं करना चाहती तो अपने मैनिफेस्टो से सर्वे की बात को विड्रॉ करना चाहिए, ये घोषित करना चाहिए हमारी प्रायोरिटी माइनॉरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी गरीब है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार देश के गरीब का, दलित का, आदिवासी का और पिछड़े का है। मैं मानता हूं देश की जनता ने आवाज मुखर करनी चाहिए और डिमांड भी करनी चाहिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे प्रहार करते हुए जबरदस्त कांग्रेस पर, लेकिन वैभव ये एक और सेल्फ गोल कांग्रेस का जिसको बीजेपी ने हथियार बना लिया, लपक लिया, बैठे बिठाए बीजेपी को भी एक मुद्दा मिल गया है। किस तरह की प्रतिक्रियाएं इस पर आ रही है? हाँ हिमानी, बिल्कुल, हम इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद हैं और मंचों से इसको लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तो अब महिलाएं तमाम जो हैं वो सड़कों पर उतरी हैं। मैम, इस तरह से आर्थिक सर्वे की बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है, उनके मैनिफेस्टो में महिलाओं का क्या रिएक्शन है? देखिए, राहुल गांधी जी ने हमेशा वोट बैंक की बात की है, कांग्रेस ने जब भी बात की है केवल वोट बैंक पे बात करते हैं वो लोग। इस बार जो वो मैनिफेस्टो लाए हैं उसमें, उससे महिलाएं इतनी ज़्यादा आक्रोशित हैं क्योंकि उन्होंने बात की है महिलाओं के स्त्रीधन के ऊपर। उन्होंने कहा जो एक स्त्रीधन होता है, कुछ उनको मायके से मिलता है, कुछ उनको ससुराल से मिलता है और कुछ वो अपनी पाई पाई बचा कर इकट्ठा करती हैं। अब कांग्रेस बात करती है कि इतने ग्राम तो महिला रखेंगी, इतने ग्राम पुरुष रखेंगे, बाकी हम सब बांट देंगे। क्यों भाई, क्यों बांट दोगे? आपको क्या राइट है किसी के धन को बांटने का? तो कांग्रेस हमेशा ही तुष्टिकरण की बात करती है, हमेशा सांप्रदायिकता की बात करती है, एक अल्पसंख्यक समाज की बात करती है, जबकि जो भाजपा है वो सभी को साथ लेकर चलती है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी इस आर्थिक सर्वे को लेकर जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में?
मैं यही कहना चाहूंगी कि जो कांग्रेस है ये हमेशा मुस्लिमों को बढ़ाती है और ये जातिवाद फैलाती है, जबकि जातिवाद हमें नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि जातिवाद से कुछ नहीं होता, हमें अलग अलग फ्रैक्शन आ जाते हैं और हम भेदभाव करने लगते हैं। हमें एकता का देना चाहिए, जो कि मोदी जी कर रहे हैं, धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे वोट कभी नहीं लेनी चाहिए। हमें नारियों का सम्मान करना चाहिए और हमारी बीजेपी में नारियों का सम्मान होता चला आया है। देखिए मानी, और भी महिलाओं से हम बात करेंगे, लेकिन इनके हाथों में जो पोस्टर है वो हम एक बार अपने दर्शकों को दिखाएंगे। इस पोस्टर में भी लिखा हुआ है कि महिलाओं का मंगल सूत्र बचाना है और कांग्रेस को हटाना है, महिलाओं को अपना गहना बचाना है तो कांग्रेस को हटाना है। ये क्यों आप लोग कह रही हैं? जो राहुल जी कह रहे हैं वो हम औरतों का अपमान कर रहे हैं, हमारी पाई पाई को वो हमसे छीनना चाह रहे हैं, जो कि कभी भी नहीं होना चाहिए। महिलाएं किस तरह से जोड़ बटोर कर अपनी जो गृहस्थी है उसको मजबूत करती हैं, अगर उस पर कोई हाथ डालता है तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए बिल्कुल वो मैंने पहले ही बताया कि महिलाएं पाई पाई बचा के अपना वो स्त्रीधन इकट्ठा करती हैं कि अगर कभी मुसीबत पड़ी तो हम उसे खर्च करेंगे। लेकिन आज राहुल गांधी ने एक मंगल सूत्र के ऊपर, बहनों के मंगल सूत्र के ऊपर भी सवाल उठाया है। मैं राहुल गांधी जी से ये कहना चाहती हूँ कि एक मंगल सूत्र की कीमत तुम क्या जानो राहुल जी, क्योंकि तुम्हारे पास ना कोई मंगल सूत्र पहनने वाली है ना कोई मांग में सिंदूर भरने वाली है, तो उनको इस मंगल सूत्र की कीमत बिल्कुल नहीं पता। यहाँ पर महिलाओं की प्रतिक्रिया खास तौर से सामने आ रही है। आपके पास वापस लौटेंगे, इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हमला, सत्ता चाहती है ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, देश की कीमत पर सत्ता चाहती है कांग्रेस, ये बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए किस तरीके से तीखी बयानबाजी हो रही है। अब कांग्रेस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस बस सत्ता चाहती है। आइए सुनते हैं। कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है, इंडी गठबंधन के अलग अलग दल भी अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं। मित्रों, एनडी गठबंधन और खासतौर पर कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के जो घोषणा पत्र हैं, घोषणा पत्र के विभिन्न प्रावधानों के खतरनाक इरादों की तरफ ही ध्यान आकर्षित करने के लिए आज हम सब जनता जनार्दन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जनता जनार्दन का ध्यान और खासतौर पर इन मुद्दों को लेकर के, एक तरफ 1970 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश को गरीबी हटाओ का नारा दिया था, गरीबी नहीं हट पाई क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं थे। उनके 19 सूत्री 20 सूत्री कार्यक्रम बनते थे लेकिन वे फाइलों तक कैद होकर के रह जाते थे। शासन स्तर पर अगर किसी गरीब के लिए योजना का लाभ भी देने की बात होती थी तो कमीशनखोरी की भेंट चढ़ जाती थी। योजना का लाभ चेहरा देख करके देने की जो प्रवृत्ति कांग्रेस ने उस समय प्रदान की थी, कमोवेश वही